सो हे गाइज, हेलो एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। गाइज, आज का ये वीडियो होने वाला है ऑडियो एडिटिंग के बारे में। गाइज, यहाँ पे हम देखने वाले हैं कैसे आप अपनी ऑडियो को एडिट कर सकते हैं। अगर गाइज आप रिकॉर्ड करते हैं, आसपास की कोई नॉइस आती है या फिर आपके रूम में फैन चल रहा है तो उसकी अगर नॉइस आती है तो आप उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ पे गाइज हम पीसी सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, यहाँ पे पीसी या लैपटॉप में ऑडेसिटी की मदद से कैसे आप अपनी जो ऑडियो है गाइज उसका जो बैकग्राउंड नॉइस है वो रिमूव कर सकते हैं और कैसे क्रिस्पी साउंड क्वालिटी आप अपनी ऑडियो को दे सकते हैं। एंड गाइज, अगर आप मोबाइल से ऑडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपके लिए उस पर भी वीडियो लेकर आऊंगा। यहाँ पे हम बात करेंगे गाइज पीसी सॉफ्टवेयर ऑडेसिटी की, इसके थ्रू हम यहाँ पे ऑडियो को एडिट करेंगे, इसका जो नॉइज है गाइज उसे रिमूव करेंगे। ये ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर गाइज बिल्कुल फ्री है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर में ऑडियो को एडिट कर सकते हैं, इसका जो बैकग्राउंड नॉइस है गाइज ऑडियो का उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको ऑडेसिटी ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज काफी सारे फीचर्स ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन गाइज यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, ये ऑप्शन हमारे काम के नहीं है। यहाँ पे गाइज जो सिंगिंग करता है या फिर कोई ट्रैक रिकॉर्ड करता है उसके लिए ये सारे फीचर्स है, हमें तो यहाँ पे सिर्फ ऑडियो एडिटिंग करना है, वो भी नॉर्मल एक अच्छी क्वालिटी में। तो यहाँ पे क्या करना है गाइस, सबसे पहले आपको जिस भी ऑडियो को आपने रिकॉर्ड किया है उसे सिंपली हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इसके लिए गाइस आपको जाना है फाइल मेन्यू में, ओपन पे जाना है, देन यहाँ पे जिस भी फोल्डर या फिर जिस भी जगह पे या आपका जो ऑडियो रखा हुआ है गाइस उस फाइल को आपको इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं देख सकते हैं मैंने ऑडियो फाइल यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है गाइस। यहाँ पे अगर किसी को लाइव रिकॉर्ड करना है जैसे कि करंट में ही, तो यहाँ पे आपको एक रेड कलर का आइकन देखने को मिल जाएगा, इस पे आप क्लिक करते हैं तो किसी भी ट्रैक या फिर ऑडियो को आप यहाँ पे लाइव रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप ऑडियो देख सकते हैं, इसमें गाइस मैंने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे जो ऑडियो है गाइस जो नॉइज है गाइस आसपास का वो सबसे पहले रिकॉर्ड होने दिया, यानी कि जब आप ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं गाइस तो यहाँ पे आपको शुरू में स्टार्टिंग में 5 से 6 सेकंड तक आपको बिना बोले मतलब रिकॉर्ड होने देना है, आपको बोलना नहीं है, 5 से 6 सेकंड के बाद आपको बोलना स्टार्ट करना है। तो यहां पे वही ऑडियो है, आप यहां पर सुन सकते हैं। हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। गाइज टूडेज इन दिस वीडियो आई विल शो यू हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। गाइज आपने जैसा कि सुना यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं बोला है, उसके बाद 5 से 6 सेकंड के बाद बोलना चालू किया। तो यहाँ से क्या होगा गाइज कि हम जो स्टार्टिंग का नॉइस है गाइज जैसे कि फैन चल रहा है, तो यहाँ पे जैसे कि फैन चल रहा है या फिर आसपास कुछ आवाजें आ रही है तो वो सबसे पहले रिकॉर्ड होता है, उसे हम यहाँ पे रिमूव करेंगे इस ऑडियो में से। इसके लिए क्या करना है गाइज, यहाँ पर आपको सबसे पहले इनके पॉइंट में जाना है और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके इतना हिस्सा जो है गाइज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जितना आपको लगता है। तो इसके बाद क्या करना है गाइस, सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है इफेक्ट ऑप्शन पे, यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे आपको नॉइस रिडक्शन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे सिंपली जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गेट नॉइस प्रोफाइल, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो यहां से सिलेक्ट हो जाएगा आपका ये जो नॉइस आया हुआ है ऑडियो में से गाइस, ये क्लिप यहां से सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद गाइस काम खत्म नहीं है, इसके बाद क्या करना है आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है, पूरा सिलेक्ट कर लेना है ऑडियो को, देन आपको जाना है इफेक्ट पे और यहां पे सेकंड नंबर पे ऑप्शन आ जाएगा यहां पे रिपीट नॉइस रिडक्शन, चाहे तो आप कंट्रोल ए प्रेस करके भी आप इसका जो नॉइस रिडक्शन है गाइस वो रिमूव कर सकते हैं। तो यहां पे हम सिंपली इस पर क्लिक करते हैं तो यहां से आप देख सकते हैं इसका जो नॉइज है गाइज वो यहां से हट चुका है। सो गाइज यहां से हमारा जो नॉइज है रिमूव हो चुका है, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार नॉइज अभी भी हल्की हल्की आ रही है तो आपको क्या करना, फिर से वही चीज करना है आपको दोबारा से। तो आपको क्या करना है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इफेक्ट पे चले जाना है, नॉइस रिडक्शन पे क्लिक करना है, गेट नॉइस प्रोफाइल, देन आपको कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट कर लेना है एंड इसके बाद जाना है इफेक्ट और रिपीट नॉइस रिडक्शन। तो यहां से फिर से ये जो नॉइस है गाइस वो यहां से रिमूव हो जाएगी और काफी बढ़िया यहां पे जो नॉइस है गाइस वो आपको सुनने को नहीं मिलेगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, अगर आप ज्यादा ही फैन की आवाज या फिर आपके आसपास का कोई साउंड आ रहा है, नॉइस आ रहा है, तो आप उसको यहां से आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नॉइस रिमूव नहीं हुआ है तो आप 2-3 बार इसको कर सकते हैं अप्लाई। सो गाइज यहाँ से हमारा जो नॉइस रिमूव हो चुका है, अब हमें क्या करना है गाइज, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है इस पार्ट को, क्योंकि ये पार्ट तो हमारा कुछ काम का नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम। सिलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कट का, कंट्रोल
एक्स दबा के आप इसे कट भी कर सकते हैं, या फिर सिंपली इस पे क्लिक करके भी आप कट कर सकते हैं। तो जो हमारा नॉइस वाला हिस्सा था गाइस, जो नॉइस वाला पार्ट था वो यहाँ से हट चुका है। एंड अब आप सुन सकते हैं यहाँ पे इसका जो साउंड आ रहा है कुछ इस प्रकार से। हे गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। सो गाइज यहाँ पे हमारा साउंड का नॉइज जो है गाइज वो तो रिमूव हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो साउंड है, जो ऑडियो है गाइज, वो क्रिस्पी नहीं आ रहा है। कुछ इसमें इफेक्ट हम अप्लाई करेंगे जिससे कि साउंड जो है काफी बेहतर लगने वाला है। तो यहाँ पे गाइज इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें सेलेक्ट ऑल कर लेना है। तो कंट्रोल ए प्रेस करके हम पूरा ऑडियो सेलेक्ट कर लेंगे। सो गाइज इस ऑडियो में हमें इफेक्ट अप्लाई करना है, तो उसके लिए क्या करना है गाइज, सिंपली यहाँ सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे इफेक्ट में चले जाना है और यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फिल्टर कर्व का। ये ऑप्शन गाइज नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, आपको इसे ढूंढ लेना है। तो यहाँ पे फिल्टर कर्व के नाम से ये ऑप्शन होगा, सिंपली इस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस फिल्टर कर्व का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मैनेज ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पे हम क्लिक करते हैं। फैक्ट्री प्रीसेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ सारे प्रीसेट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है गाइस, सबसे पहले आपको बेस बूस्ट वाला ये प्रीसेट है, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से गाइस बेस बूस्ट वाला जो है गाइस वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। देन गाइज इसके बाद आपको जाना है दोबारा से इफेक्ट में और यहाँ पे चले जाना है फिल्टर कर्व में, एंड मैनेज पे चले जाना है। और इस बार गाइज आपको प्रीसेट में ट्रेबल बूस्ट का एक प्रीसेट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको सिंपली ओके कर लेना है, तो ये ट्रेबल बूस्ट वाला प्रीसेट भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा ऑडियो में। गाइज यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो जो मैंने ऑप्शन बताए हैं सिर्फ उतना ही करेंगे तो आपकी जो ऑडियो क्वालिटी काफी बेहतर हो जाएगी गाइज। यहाँ पे अगर आप एडवांस लेवल में करना चाहते हैं तो आप करके ट्राई करके देख सकते हैं, जो है बिगिनर के लिए काफी बढ़िया है। अगर आप अपने साउंड ऑडियो क्वालिटी में इंप्रूव करना चाहते हैं, क्वालिटी अचीव करना चाहते हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। देन गाइज नेक्स्ट आपको यहाँ पे दोबारा से इफेक्ट में चले जाना है। याद रहे गाइज यहाँ पे जो ऑडियो है वो सिलेक्ट रहना चाहिए, तो यहाँ पे सिलेक्ट है, इसके बाद इफेक्ट में चले जाएंगे। इसके बाद गाइज आप नीचे आप देख सकते हैं कंप्रेसर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको कंप्रेसर का देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दी हुई है गाइस, लेकिन इसे कुछ नहीं करना है, इसकी छेड़खानी नहीं करना है गाइस, जैसा है वैसा ही रहने देना है। और सिंपली यहाँ पे ओके का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये भी कंप्रेसर जो है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, हमें दोबारा से इफेक्ट में जाना है और अब हम इसे ऑडियो को नॉर्मलाइज करेंगे। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं गाइस, यहाँ पे तो यहाँ पे आपको एक नॉर्मलाइज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी कुछ चेंजेस नहीं करना है, सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है और ये भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। गाइस जो भी ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ ये सभी ऑप्शंस गाइस इफेक्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद गाइस सिलेक्ट ऑल करेंगे तो यहाँ पे इसके बाद हमें क्या करना है, इफेक्ट में चले जाना है और इसके बाद मैंने गाइस नॉर्मलाइज कर लिया है हमने। अब यहाँ पे क्या करना है गाइस, एक बार हम दोबारा से फिल्टर कर्व में चले जाते हैं, मैनेज में चले जाते हैं और यहाँ पे प्रीसेट में इस बार हम फिर से करेंगे बेस बूस्ट, ताकि अगर आपकी जो आवाज पतली आ रही है गाइस तो वो यहाँ पे काफी लाउड आने लगेगी। इसे सिंपली अप्लाई करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो साउंड गाइस थोड़ा सा लो था, उसकी जो फ्रिक्वेंसी लो थी, ये अब यहाँ पे लाउड हो चुका है। एंड देन लास्ट में गाइस आपको एक और बार यहाँ पर क्या करना है, नॉर्मलाइज कर लेना है। तो यहाँ पे इफेक्ट में जाके नॉर्मलाइज पे क्लिक करके ओके पे कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे आपका जो ऑडियो है गाइस एडिट हो चुका है और यहाँ पे गाइस काफी क्रिस्पी आपका जो साउंड है गाइस सुनाई देने वाला है। तो चलिए मैं आपको आपको यहाँ पे ऑडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ। हे गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। गाइस टुडेज इन दिस वीडियो आई विल शो यू हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। सो गाइस जैसे कि आपने देखा पहले कैसी ऑडियो आ रही थी और अब यहाँ पे क्या चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। जैसे कि आपने देखा कितनी मस्त क्वालिटी हो चुकी है साउंड की, और यहाँ पे अगर आप इस ऑडियो को एडिट करते हैं और आप अपनी 10 मिनट की वीडियो या फिर 15 मिनट जो भी आप वीडियो बनाते हो उस पर ऐड करते हैं, तो यार काफ़ी शान बढ़ जाएगी उस वीडियो की और आपके ऑडियंस को भी काफ़ी पसंद आएगी। क्योंकि गाइस जो आप वीडियोज़ बनाते हैं उसमें अगर साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो ऑडियंस उस वीडियो को पसंद नहीं करती, इसलिए साउंड की क्वालिटी गाइस काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए, सामने वाले को समझ आना चाहिए और पसंद आनी चाहिए। तो लास्ट स्टेप रह गया जिसमें कि हमें इस ऑडियो को एडिट करने के बाद सिंपली
एक्सपोर्ट कर लेना है। तो कैसे एक्सपोर्ट करना है गाइज, कई लोग यहाँ पे MP3 में इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन आपको MP3 में एक्सपोर्ट नहीं करना है। इसके लिए गाइज क्या करना है, आपको सिंपली फाइल मेन्यू में चले जाना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्सपोर्ट का ऑप्शन, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे गाइस कई लोग क्या करते हैं एक्सपोर्ट टू MP3 पे क्लिक करके MP3 पे एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको MP3 पे नहीं करना है, आपको करना है एक्सपोर्ट एज वेव WAV, ठीक है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कहाँ पे सेव करना है वो सिलेक्ट कर लेना है, ड्राइव या फिर जो भी फोल्डर में आप सेव करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे गाइस आपको इसका नेम दे सकते हैं, आप यहाँ पे नेम दे देना है और यहाँ पे सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका मेटा डेटा टैग्स, आपको इसकी जो डिटेल है गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको कर देना है सिंपली ओके पे क्लिक। तो यहाँ पे गाइज आपका जो ये ऑडियो है एक्सपोर्ट हो चुका है, और अब आप इसको कहीं पे भी अगर ऐड करना चाहते हैं अपनी वीडियो में तो आप इस तरह बहुत ही आसानी से आप अपनी ऑडियो को एडिट कर सकते हैं ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर की मदद से। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नीचे दिया गया है, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, अगर हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपके कोई कमेंट आओ तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।